हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे नीटिंग चैनल में। तो आज हम सीखेंगे गार्टर स्टिच में हम किस तरह से हम एक खूबसूरत सा प्यारा सा पैटर्न हम इसमें बना सकते हैं। तो आप इसको जो है कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये बिगनर्स भी बना सकते हैं, कोई भी इसको बना सकता है। और आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में, आप इसके निटिंग के जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं उसमें आप इसको डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इसके लिए फंदे ले लिए हैं। अब इसकी हम पहली रो बुनेंगे, पहली रो हम सीधी बुनेंगे। इसमें हम गार्टर स्टिच बनाएंगे तो पहली रो हमारी सीधी होगी पूरी की पूरी एंड तक। इस तरह से हम इसको पूरा सीधा कंप्लीट करेंगे। पहली रो जो है सीधी बनाने के बाद अब दूसरी रो हम बैक साइड से बनाएंगे। इसको भी हम, पहला फंदा तो हम कॉर्नर का उतार लेंगे, इसको भी हम सीधा बनाएंगे। जब हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे तो गार्टर स्टिच जो है हमारे ऑटोमेटिकली बनना शुरू होंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे, इसको भी हम पूरा उल्टा कंप्लीट करेंगे। इसको पूरा हम उल्टी साइड से सीधा बनाएंगे। इस तरह से हमने दो रो कंप्लीट कर ली है। अब हम तीसरी रो भी सीधी बुनेंगे इस तरह से। जब हम सीधा सीधा बुनेंगे तो हमारे गार्टर स्टिच ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। इसको हम सीधा सीधा लास्ट तक बनाएंगे। तीसरी रो जो है फ्रंट साइड से कंप्लीट करने के बाद अब हम फोर्थ रो बनाएंगे। इसको भी हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। ये हमारी चौथी सिलाई है, इसको हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर फ्रंट साइड से भी हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से हम तीन से चार लाइनें गार्टर स्टिच की बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, एक दो तीन, तीन हमारी गार्टर स्टिच वाली लाइन बन गई है। लेकिन हम इसमें हमारी सिक्स रोज आएंगी क्योंकि एक हमारी बैक साइड से रो बनती है। तो ये फ्रंट साइड वाले जो गार्टर स्टिच की रोज है वो हमारी एक दो तीन आगे है। इसके बाद अब हम दूसरा कलर इसमें लगाएंगे। मैं यहाँ पे ये पिंक कलर लगा रही हूँ, तो ये मैं पिंक कलर इसमें ऐड कर दूँगी। पहला फंदा हम इस तरह से पिंक कलर से बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा हमने बुना, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, अगला फंदा बुन लेंगे। एक फंदा बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुन लिया। एक फंदा बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुन लिया। एक बिना बुने, अगला फंदा बुन लेंगे। इस तरह से हम ये रो बनाएंगे। एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक बुन लेंगे। पूरी रो हमारी इसी तरह से बनेगी। तो ये लास्ट का स्टिच भी बिना बुने उतार लेंगे। ये हमारी हो गई है सेवेंथ रो। अब बैक साइड से क्या करेंगे, बैक साइड से हम ये जो फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। बैक साइड से इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पूरे फंदे आपको सीधे बनाने हैं इस तरह से। जैसा हम सीधा सीधा बुन रहे थे गार्टर स्टिच, सीधे सीधे से बैक साइड से भी सीधा और फ्रंट साइड से भी सीधा। आप दो तरह से गार्टर स्टिच बना सकते हैं, या तो आप फ्रंट साइड से उल्टा बनाएंगे तो बैक साइड से भी उल्टा बनाएंगे। फ्रंट और बैक में दोनों रो जो है वो सेम होनी चाहिए, तब आपके गार्टर स्टिच बन जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से।
योगी है हमारी रो कंप्लीट। इसके बाद हम फिर से सेम वही कलर लगाएंगे जिस कलर से हम पहले बना रहे थे, वाइट कलर था, तो वाइट कलर से अब हम पूरी रो को वाइट कलर से बुनेंगे सीधा सीधा। इस तरह से। तो इसका आपका सिर्फ एक लाइन में सिंगल डिज़ाइन आएगा डिफरेंट कलर से। इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद अब हम बैक साइड से बनाएंगे। बैक साइड से भी हमने कुछ नहीं करना है, बैक साइड से पहला फंदा उतारा, बाकी के सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे इस तरह से। इसको भी आपने सीधा सीधा कंप्लीट कर लेना है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से एक प्यारी सी लाइन बन के आ गई है दो डिफरेंट कलर में। तो इसको आप इसी तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से आपने एक दो तीन तीन लाइनें गार्टर स्टिच की बनानी है। इसके बाद पहली तो हमारी बन गई है, दो रो और बनानी है। उसके बाद आपने सेम इसी तरह से करना है, एक कलर चेंज करना है, एक बिना बुने उतारना है, एक बुन लेना है। तो इसी तरह से आपने इसको रिपीट करना है। तो इसमें भी गार्टर स्टिच में भी आपका बहुत ही प्यारा सा दो कलर का डिज़ाइन बन के आता है। पूरा पैटर्न कम्प्लीट होने के बाद ये इस तरह से बनेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से ये दो डिफरेंट कलर का ये पैटर्न बनेगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, और आप इस डिज़ाइन को स्वेटर में भी डाल सकते हैं, कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। आप जो बच्चों के लिए मोजे बनाते हैं उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं इस तरह से। ये इसकी बैक साइड है और ये है इसकी फ्रंट साइड। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ये निटिंग का डिज़ाइन है।